नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। चरखारी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस की प्रारंभ की। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो और बच्चे अपने घर पर ही रहकर पढ़ाई कर सके, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ कर दी गई है, जिसकी जानकारी विद्यालय प्रधानाचार्य छत्रसाल स्वर्णकार ने देते हुए बताया है कि लॉकडाउन के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है, जिसमें सभी विषय के अध्यापक ने जूम ऐप के माध्यम से सभी बच्चों को जोड़कर उनका अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिससे उनकी पढ़ाई किसी प्रकार से बाधित ना हो। और विद्यालय प्रधानाचार्य छत्रसाल स्वर्णकार ने सभी से अपने घरों पर रहकर लॉकडाउन का पालन करने और सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखने के लिए सभी अभिभावक और छात्र छात्राओं से अपील की है। नाम छत्रसाल स्वर्णकार, सरस्वती विद्या मंदिर चरखारी से प्रधानाचार्य। सर, जो COVID-19 के चलते हुए लॉकडाउन चल रहा है और विद्यालय बंद है, उसके पर भी आप लोग जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, किस तरीके से छात्रों को उसको लाभान्वित कर रहे हैं? अभी शासन के द्वारा जी भी ये निर्धारित हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएं जी, जिससे कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी खिलवाड़ ना हो और बच्चे घर बैठ कर के ऑनलाइन शिक्षण से जो लाभ ले सकते हैं अधिक से अधिक वो लाभ लें। और इस दिशा में सरस्वती विद्या मंदिर चरखारी ने एक जूम ऐप के माध्यम से बच्चों को कनेक्ट किया है और इस समय प्राथमिकता के आधार पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, इन दो कक्षाओं को सबसे पहले लिया गया है। इंटरमीडिएट की ऑनलाइन क्लासेस लाइव टेलीकास्ट रहता है, बच्चे घर बैठ करके वो शिक्षण वहाँ जो भी पढ़ाया जाता है हमारे आचार्य जी के द्वारा जी, वो बच्चे घर बैठ करके पढ़ते हैं और जो भी उनकी समस्याएं रहती हैं जी, तो उन समस्याओं को व्हाट्सएप के माध्यम से कक्षा चार के पास वो उनकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और नेक्स्ट डे विषयाचार बंधु वो जो भी प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते हैं। इस दिशा में हाई स्कूल के छात्रों के भी ग्रुप बनाए जा रहे हैं जी, एक बच्चों का ग्रुप और एक बच्चियों का, दो ग्रुप बना करके जी, और उनकी भी जल्द ही सरस्वती विद्या मंदिर चरखारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देगा। इसके साथ साथ 6 से लेकर 11 तक के बच्चों को भी हमारे ऑनलाइन शिक्षण का लाभ मिले, इसलिए हमारे सभी कक्षा चार बंधु इस दिशा में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है और सभी कक्षाओं के बच्चे और बच्चियों के ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग बनाए जा रहे हैं और उन व्हाट्सएप ग्रुप पर जो भी मटेरियल हमारे आचार बंधु रोज़ तैयार करते हैं वो मटेरियल उन बच्चों तक पहुँचता है और इस तरीके से बच्चे घर बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और जब तक इस महामारी से बचाव नहीं हो जाता है तब तक ऑनलाइन शिक्षण इस तरीके से चलता रहेगा। आगे भी कोशिश की जाएगी कि इसको और विस्तृत रूप दिया जाए और आगे हमारे बच्चे इंटरनेट के माध्यम से जुड़ करके